हे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज है 15th August 2021, और आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ऐसा एक शेयर, मल्टीबैगर शेयर, जो कि कल आप अगर ये शेयर को खरीद लिया तो आपको एक शेयर के बदले मिलेगा टोटल 5 शेयर। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा शेयर है जो कि कल खरीदने का एकदम लास्ट डे है, लास्ट चांस कि आपको इसके अंदर खरीदना चाहिए या नहीं, एकदम कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों, आपके पास अगर ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज फीस ना के बराबर लगता है और अकाउंट ओपनिंग फीस बिल्कुल ही जीरो है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली ये चार चीज़ को तैयार रखना है, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक और आपका सिग्नेचर, और आधे घंटे के अंदर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज है 15th August 2021 संडे के दिन, वैसे ही मार्केट बंद है, ऊपर से आज की डेट पे इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। तो मेरे तरफ से आप सभी देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों, आज से ठीक 1.5 महीने पहले ये पर्टिकुलर कंपनी ने 1 जुलाई के दिन स्टॉक स्प्लिट का अनाउंस किया था। तो ये स्टॉक स्प्लिट का जो एक्स डेट है उसके अकॉर्डिंग आप अगर कल मतलब 16th August अगर आप खरीदते हो तभी जाके आपको ये स्टॉक स्प्लिट होगा, आपका स्टॉक स्प्लिट होगा। अदरवाइज आपको नेक्स्ट डे एग्जीक्यूशन के बाद जब स्प्लिट हो जाएगा, सब एडजस्टमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपको खरीदना पड़ सकता है। तो आपके पास खरीदने का लास्ट चांस है कल की डेट पे। तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक का नाम क्या है, स्टॉक स्प्लिट का रेशियो थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद फंडामेंटल फाइनेंशियल पैरामीटर्स कैसा है। ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों, मैं आपको इतना बता के रखना चाहता हूँ, और वीडियो को दोस्तों एक स्टडी पर्पस ही देखना, खरीदना ना खरीदना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट का यहाँ पे आप देख सकते हो, जो रेशियो आज की डेट पर अगर बात करें तो ये शर्ट का जो फेस वैल्यू है 10 रुपये। स्टॉक स्प्लिट मतलब जो फेस वैल्यू होता है उसका स्प्लिट होता है, अभी 10 रुपये है जो कि एग्जीक्यूशन के बाद 2 रुपये पर हो जाएगा। यानी सिंपल बात है, 1:5 रेशियो पे ये स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है। इसका मतलब आपके पास अगर एक शेयर है तो एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास टोटल हो जाएगा 5 शेयर। अगर समझ लीजिए कि आपके पास 3 शेयर है तो एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास टोटल हो जाएगा 15 शेयर, मतलब जितना आपके पास शेयर है उसका 5 गुन हो जाएगा। तो एक्स डेट जो रखा गया कंपनी द्वारा 17th August 2021, एक्स डेट मतलब एग्जीक्यूशन डे। तो इसी दिन आप अगर खरीदते हो तो आपको तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स डेट पे ही पूरा का पूरा ये स्प्लिट का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, और जो शेयर प्राइस रहेगा वो भी 1/5 हो जाएगा। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि 1:5 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट दे रहा है, इसका मतलब जब स्प्लिट हो जाएगा एक्स डे उसी दिन इसका जो प्राइस है वो भी 1/5 हो जाएगा। यानी आपके पास सिर्फ एक दिन बचा है, कल मंडे के दिन। अब कल के दिन पे दोस्तों बहुत लोग बहुत कंफ्यूजन है, बहुत लोग बोल रहे हैं कल हॉलीडे है, एक्चुअली कल हॉलीडे ही है, कल हाफ हॉलीडे है। हाफ हॉलीडे मतलब कल सेटलमेंट हॉलीडे है, मतलब मार्केट जैसे कि नॉर्मल ओपन होता है, नॉर्मल क्लोज होता है, वैसे ओपन होगा, क्लोज भी होगा, बट कल अगर आप कोई भी शेयर बाई और सेल करते हो तो वहाँ पे सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि कल बैंक हॉलीडे है, जिसके कारण CDSL, NSDL ये सारे जो कंपनीज है बंद रहेगा, तो जिसके कारण सेटलमेंट नहीं होगा, अदरवाइज मार्केट ओपन रहेगा। तो कंपनी का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, कंपनी का नाम है दोस्तों सागर सीमेंट लिमिटेड, एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो जिसके कारण थोड़ा सा रिस्की भी है, बट कंपनी का जो फंडामेंटली है वो ज़बरदस्त स्ट्रांग है। तो उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप गलती से भी दोस्तों स्टॉक स्प्लिट को देख के मंडे मतलब कल की डेट पे इसके अंदर निवेश मत करना, आप बुरी तरह फंस जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आपका टारगेट अगर लॉन्ग टर्म का है तभी जाके आप इसके अंदर निवेश का सोचना, अदरवाइज़ ये जो स्टॉक स्प्लिट बोलिए या बोनस शेयर या डिविडेंड, ये सब उन्हीं शेयर होल्डर को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है जो कि एकदम ग्राउंड लेवल पे शेयर को खरीदा। मतलब आज की डेट में समझ लीजिए कि सागर सीमेंट का जो शेयर प्राइस चल रहा है करीबन 1490 रुपये के आसपास, जो लोग समझ लीजिए कि 1000 रुपये या 1000 के नीचे खरीदा उनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, राइट। लास्ट डे की बात करें तो लगभग 2% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिला। 6 महीने का चार्ट पैटर्न दोस्तों यहाँ पे उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बीच बीच में ये बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेड भी नहीं करता, कभी कभी बंद भी रहता है। अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला 132% का। अगर हम बात करें मैक्सिमम का तो भी आप देख सकते हो लगभग 840% का एक ठीक ठाक अच्छा खासा रिटर्न दिया। बट कंपनी का दोस्तों फंडामेंटल बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रांग है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं screener.com की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, जो कि बेसिक इसका बिजनेस है। सबसे पहले दोस्तों ध्यान से सुनना, सीमेंट सेक्टर का कंपनी है तो सीमेंट सेक्टर के ऊपर ही कंपनी का जो प्रोडक्ट है बनाता है। मार्केट कैप के ऊपर बेस करके एक स्मॉल कैप शेयर है, लगभग 3500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। दूसरी पॉइंट, स्टॉक का पी दोस्तों बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, 17 के आसपास है, राइट।
आरओसी की बात करें तो दोस्तों 19% के आसपास बहुत ही शानदार इसका आरओसी आप बोल सकते हो, स्टैंडर्ड आरओसी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के ऊपर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। 513 रुपये बुक वैल्यू वाला शेयर है, मतलब इसका जो करेंट मार्केट प्राइस इससे बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। फेस वैल्यू की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है, जो कि स्प्लिट के बाद मतलब मंगलवार 17th of August के दिन ये 10 रुपये से हो जाएगा 2 रुपये, और जो शेयर प्राइस रहेगा दोस्तों वो भी हो जाएगा आपका 1/5, मतलब समझ लीजिए कि 1500 रुपये के आसपास अगर शेयर स्प्लिट होता है तो एक शेयर दोस्तों स्प्लिट के बाद 300 रुपये के आसपास पहुंच जाएगा। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, और एकदम फटाफट से जो आपका एक्स्ट्रा शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अगले एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपके जो डीमैट अकाउंट है वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम बात करें जो सेक्टर में बिलोंग करता है बेसिकली सीमेंट सेक्टर के ऊपर ही, तो उसके ऊपर आप देख सकते हो एज़ पर मार्केट कैप 4th पोजीशन पे आता है, तो यहाँ पे एक मार्केट लीडर शेयर भी है। बात करेंगे इसका फाइनेंशियल पैरामीटर्स, ग्रोथ कैसा है, तो दोस्तों ज़बरदस्त कंपनी है। तो देखिए 5 साल में 13% का सेल्स ग्रोथ है, 3 साल में देखिए 10% का सेल्स ग्रोथ, इस साल बात करें तो 37% का सेल्स ग्रोथ, मतलब कंपनी की ग्रोथ दोस्तों काफ़ी शानदार है, काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो कि सीमेंट सेक्टर में बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा। कुछ बड़े कंपनी जैसे कि हो गया यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट वगैरह, ये सब अच्छा कंपनी है जिसको प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट ये पर्टिकुलर कंपनी दोस्तों सागर सीमेंट छोटा कंपनी जरूर हो सकता है, बट कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, एंड प्रॉफिट के अंदर आपको ग्रोथ नजर आएगा। देखिए 5 साल में 33% का प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल में 92% का प्रॉफिट ग्रोथ, इस साल तो दोस्तों छोड़ ही दीजिए 500% के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ। अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस CAGR वो भी काफ़ी शानदार है, देखिए 10 साल में 28% की CAGR की सबसे रिटर्न दिया, 5 साल में 20% की CAGR, 3 साल में 24% का CAGR की सबसे रिटर्न दिया, और इस साल पे दोस्तों 223% की CAGR की सबसे रिटर्न दिया। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है, 3.5 करोड़ का कंपनी दोस्तों आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व भी है, तो कंपनी का अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो कि आपको सीधा सीधा यहाँ पे प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव में नज़र आएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो कि होना चाहिए। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो आप देख सकते हो इसमें बड़े प्लेयर्स भी अच्छा खासा स्टेक उठा के बैठे हैं। सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक है वो तो है इनका जो प्रोमोटर्स हैं, उनके पास 50% का स्टेक, उसको छोड़ के FIS के पास 3% का स्टेक है, DIS के बाद लगभग 11.5% का स्टेक है, एंड पब्लिक के पास करीबन 35% के आसपास स्टेक है। तो एट द एंड यही बोलूँगा दोस्तों, देखिए इन्वेस्ट करना ना करना वो आपके ऊपर है, बट कैसे एक कंपनी को थोड़ा सा चेक करते हैं जज करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ। तो बेसिकली अगर कंपनी देखा जाए दोस्तों, मुझे मेरे हिसाब से ठीक ठाक कंपनी लगता है, बट एक चीज़ मैं आपको फिर से बोलूँगा कि अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है तभी जाके आप इसके अंदर निवेश करना, अदरवाइज़ मैं आपको बोलूँगा इससे दूर रहना ही बेटर होगा, क्योंकि बहुत लोग बिगिनर्स होता है कि पहले स्प्लिट या बोनस के पहले खरीद लेता है, उसके बाद जब एग्जीक्यूशन होता है शेयर मतलब गिरता है, शेयर प्राइस एडजस्टमेंट होता है, तो वो लोग घबरा जाता है। देखिए शानदार कंपनी, कितना शानदार हमें डिलीवरी भी देखने को मिला है, उतना ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होता क्योंकि बहुत ही कम ट्रेडिंग होता है, तो जितना भी ट्रेडिंग होता है डिलीवरी हमें सॉलिड देखने को मिलता है, 61% के आसपास हमें डिलीवरेबल परसेंटेज। तो एट द एंड दोस्तों यही बोलूँगा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद भी एक बार अच्छे से स्टडी करना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।